News 18, India. यहाँ मंत्रियों का डर ऐसा था। अब खैर उनकी मुसीबतें मैं समझ सकता हूं। मेरे यहां एक बार बहुत प्राकृतिक आपदा आई, मैंने उस समय प्रधानमंत्री जी को बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आप आइए एक बार जरा देख लीजिए। उनका कार्यक्रम बना, फिर साहब एक एडवाइजरी कमेटी बनी थी ना, शायद वहां से हुक्म आया तो कोई हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण करे, वो तो मैं समझ सकता हूँ। साहब वो कार्यक्रम बदल करके साउथ में किस राज्य में गए तो मुझे याद नहीं रहा आज, और बोले हम हवाई जहाज से ऊपर से देख लेंगे, हम गुजरात में नहीं आएंगे। मैं सूरत पहुंचा हुआ था, वो आने वाले थे, मैं जानता हूँ आखिर में क्या हुआ होगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं साहब, प्राकृतिक आपदा में भी मैंने ऐसी मुसीबतों को झेला है, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय भी मेरा मंत्र था, आज भी मेरा मंत्र है कि देश के विकास के लिए राज्य का विकास, भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और हम सबको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे, इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर एक कदम चलता है तो दो कदम चलने की ताकत देने के लिए बात है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है, और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। आदरणीय सभापति जी, कोविड एक उदाहरण है, इतना बड़ा संकट आया दुनिया का, ऐसे संकट के समय राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ 20 बैठकें की उस कालखंड में, एक एक बात का विचार विमर्श करके साथ लेकर के, और सभी राज्यों का सहयोग, एक टीम बन करके केंद्र और राज्य ने काम किया। दुनिया जिस मुसीबत को झेल नहीं पाई, हम सब ने मिलकर के, किसी एक को क्रेडिट मैं कभी नहीं दूंगा, सब ने मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जो हो सकता है, राज्यों को भी उसकी क्रेडिट लेने का पूरा अधिकार, इस सोच में हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, G20 का आयोजन है, हम दिल्ली में कर सकते थे, हम दिल्ली में इन बड़े बड़े नेताओं के बीच रह करके सब कुछ क्या नहीं कर, पहले हुआ ही है, हमने ऐसा नहीं किया। हमने G20 का पूरा यश राज्यों को, दिल्ली में एक मीटिंग की तो राज्य में 200 एक एक राज्य को एक्सपोजर मिले दुनिया में, ये गलती से नहीं हुआ, योजना के तरीके से हुआ है। मेरे लिए किसकी सरकार है इसके आधार पर मैं देश नहीं चलाता, हम सब मिलकर के देश आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस भूमिका से काम किया है। आदरणीय सभापति, हमारे देश में विदेश के मेहमान आते थे तो मेरे आने के बाद आ रहे थे, थोड़ा है पहले भी आते थे, आज विदेशी मेहमान आते हैं तो मेरा आग्रह रहता है कि आपको एक दिन किसी राज्य में जाना चाहिए। मैं उनको लेते के जाता हूं राज्यों में, ताकि उनको पता चले कि मेरा देश यानी दिल्ली नहीं है, मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है, मेरा देश पुरी में भी है, भुवनेश्वर में भी है, मेरा देश कलकत्ता में भी है, मेरा देश गुवाहाटी में भी है। पूरे दुनिया को मेरे देश के हर कोने का एक्सपोजर मिले, इसके लिए हम कोशिश करते हैं। वहां की सरकार का सहयोग असहयोग इसके तराजू पर नहीं तोड़ते, एक एक ईमानदारी से इस देश के भविष्य के लिए, पूरे विश्व मेरे भारत को जाने, इसके लिए हम इस प्रयास करते हैं। और मैं अभी भी 26 जनवरी को इतना बड़ा काम रहता है, सबको मालूम है, उसके बाद भी मैं 25 तारीख को फ्रांस के राष्ट्रपति को राजस्थान की गलियों में घुमा रहा था।
दुनिया को पता चले कि मेरा राजस्थान ऐसा। आदरणीय सभापति जी, हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लिया जिसकी विश्व में एक मॉडल के रूप में चर्चा हो रही है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की जो सफलता है ना, उसमें 80% भूमिका मेरे राज्यों के सहयोग की है। राज्यों ने जो सहयोग किया है, उन्होंने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की मेरी भावना को समझा है। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए 80% ताकत राज्यों से मिल रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरों से मिल रही है, और जो राज्य वो राज्य की औसत में भी आखिरी पायदान पे खड़े थे, वो आज नेशनल एवरेज के साथ कंपटीशन करने लगे। ये डिस्ट्रिक्ट कभी पिछड़ी डिस्ट्रिक्ट माने जाते थे, ये सबका सहयोग से हो रहा है। और इसलिए हमारे कार्यक्रमों की रचना ही सबको साथ लेकर के चलने की है और मिल करके देश के भविष्य को बनाने की है। आज देश का हर कोना, हर परिवार विकास के फल प्राप्त करे, ये हम सबका दायित्व है और हम उसी दिशा में जाना चाहते हैं। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं। लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है, कांटा पैर को लगता है। आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश 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 का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है, इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेके आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चा में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, कहीं देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या कहने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उसको आने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें कि नदियां मेरे हाथ से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं देने दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहाँ ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके लिए देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी, अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते
ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का। उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। आदरणीय सभापति जी, पिछले 10 वर्ष नीति और निर्माण के आदरणीय सभापति जी नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड नो आदरणीय सभापति जी टेक योर सीट नीति और निर्माण दिस कंडक्ट डजंट सूट योर पोजीशन नए भारत की नई दिशा दिखाने के लिए प्लीज टेक योर सीट जो दिशा हमने पकड़ी जो निर्माण कार्य हमने लिए हैं बीते एक दशक में हमारा पूरा फोकस बेसिक सुविधाएं जरूर मिले उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। आदरणीय सभापति जी हर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं, हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विस्तार पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना उस मोदी कवच को और मजबूत बनाने और ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए, कहना क्यों कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना उसको ज्यादा संभालना चाहिए ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर से गरीबी की तरफ लपकने जाए और इसलिए उसको मजबूती देने का समय देना चाहिए। ये समय हमने गरीब को मजबूता कि वो फिर से वो न्यू मिडिल क्लास फिर से वापस उस गर्त में डूबने जाए। हम 5 लाख रुपए आयुष्मान का देते हैं ना उसके पीछे एक इरादा है परिवार में एक बीमारी आ जाए ना मध्यम वर्ग का आदमी भी गरीब बनने से देर नहीं लगती है। और इसलिए गरीबी से बाहर निकलना जितना जरूरी है उतना गलती से भी गरीबी की तरफ पीछे न चला जाए उसके लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसलिए हम अनाज देते हैं, अनाज देते रहेंगे, किसी को बुरा लगे या न लगे। 25 करोड़ गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास हुए हैं, लेकिन मुझे समझ है मैं उस दुनिया जी करके आया हूं उनको जरूरत ज्यादा है और इसलिए हमारी ये योजना जारी रहेगी। आदरणीय सभापति जी देश जानता है आदरणीय सभापति जी और इसीलिए मैंने गारंटी दी है। मेरी गारंटी है गरीबों के 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, 80% डिस्काउंट से जो दवाइयां मिल रही हैं जिसका लाभ मध्यम वर्ग गरीब को मिल रहा है वो मिलता रहेगा।
आदरणीय सभापति जी मोदी की गारंटी है कि किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है वो सम्मान निधि चालू रहेगी ताकि विकास की यात्रा में वो ताकत के साथ जुड़ जाए। आदरणीय सभापति जी गरीबों को पक्के घर देने का मेरा अभियान है, अगर परिवार बड़ा होता है नया परिवार बनता है पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना मेरा पक्का इरादा है और मेरा पक्की गारंटी है कि नल से जल हम नए शौचालय बनाने की जरूरत पड़ेगी मेरा पक्की गारंटी है जारी रखेंगे। ये काम सारे तेजी से चलेंगे क्योंकि विकास का जो रास्ता विकास की जो दिशा हमने पकड़ी है इसको हम किसी भी हालत में जरा भी धीमी नहीं होने देना चाहते। आदरणीय सभापति जी हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है, कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। आदरणीय सभापति जी अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक बढ़ी, अनेक गुना बढ़ी, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी, इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी आने वाले 5 साल में उन गरीब को पीएम आवास जो देने हैं एक भी वंचित नहीं रहे इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो देश के कितने नागरिकों करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे, ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न इसकी संख्या लाखों में होने वाली है और इतना ही नहीं टियर 2 टियर 3 सिटी नए नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूँ। आदरणीय सभापति जी रिसर्च फंडिंग उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना, पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूँ।